हेलो गाइस, दिल्ली के फूडी पाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, सुबह के अभी ना जस्ट सिर्फ 8 ही बजे हैं और ये मेरे पीछे जरा देख रहे हो, एक बार भीड़ देखिए। सुबह अभी जस्ट 8 ही बजे और लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और भीड़ लगी हुई है। भैया छोले भटूरे दे रहे हैं और आइए हम भी चल के देखते हैं ऐसे कौन से छोले भटूरे हैं कि सुबह सुबह ही बंदे, अभी इस वक्त तो दिल्ली में लोग सो रहे होते हैं और इस वक्त गाइस मैं हूँ दिल्ली के कालका जी में। तो आइए फटाफट से पहले भैया से बात करते हैं, देखते हैं और करते हैं रिव्यू शिव्यू। आइए, तो गाइस ये देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ लग रही है भैया के पास अभी सुबह के 8 ही बजे और लोग ना यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने छोले भटूरे। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भाई साहब। भैया पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित शर्मा। अमित शर्मा जी, तो भैया जी इतनी ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, आप यहाँ कितने बजे आ जाते हैं? सुबह 8 बजे। 8 बजे और कितने बजे तक रहते हैं? 10-11 बजे तक। 10-11 बजे तक। और भैया ये कितनी पुरानी आपकी है ये शॉप? ये जी कम से कम 50 साल। 50 साल यानी पिताजी के टाइम से? हमारे मामा जी। अच्छा, मामा जी करते थे इससे पहले। तो आइए एक बार इनका सेटअप देखते हैं, साइकिल पर आते हैं। अब मतलब इतना प्यारा सा सेटअप बनाया हुआ है ना इन्होंने साइकिल पे। तो गाइस इनका ना एक बार सेटअप और देख लीजिए, ये साइकिल पे आते हैं और साइकिल पे कितना सुंदर सा इन्होंने बना रखा है। ये ऊपर लकड़ी का पूरा ये बना रखा है, इसी में सारा सामान रखा है, इसी में इन्होंने छोले रखे हुए हैं और परली तरफ ना इन्होंने तवा रखा हुआ है जिसपे के ऊपर ना ये भटूरे पूरे सेकते हैं, गर्म करते हैं। सारा बहुत ही बढ़िया सिस्टम इन्होंने एक साइकिल पे ही कर रखा है। और जी ये चेक कर लो यहाँ के ना मशहूर भटूरे, जिन्हें की पेपर भटूरे भी कहा जाता है, घर पर ही भैया इन्हें बनाते हैं। और देख लो दोनों तरफ भटूरे रखे हुए हैं। भैया जी एक बार छोले जरा चला के दिखा दो। ओ भाई साहब, ये छोले चेक कर लो एक बारी, बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल छोले भटूरों से। तो गाइस यहाँ पे जो इतना क्राउड है ना, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। नमस्ते भैया जी। शुभ नाम बताइए पहले। सचिन। हाँ जी सचिन। सचिन जी तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो डेली आता हूँ सर। डेली आते हैं? हाँ जी सर। कितने टाइम से आ रहे हैं आप? आ रहे 3 महीने से। 3 महीने से आ रहे हैं। यहाँ आसपास ही रहते हैं? कालका जी डबल स्टोरी। कालका जी डबल स्टोरी, तो कैसे लगे सर जी आपको? बहुत अच्छे लगते हैं सर, जब तो आते हैं। हाँ जी ये तो है। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया जी। तो आप पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मोहित है जी। ये कब से आ रहे हैं आप? ये लगभग हो गए 20 साल हमारे पास। 20 साल से खा रहे हैं? जब आदि निकरों में आते थे, पजामे में आते हैं। स्कूल टाइम से छोटे होते हैं तब से आ रहे हैं। तब सुबह सुबह साइकिल चलाते थे तो यहीं आके खाते थे, तब अंकल जी के हाथ से खाते थे जो यहाँ पे लगाते थे। अच्छा, इनके मामा जी। हाँ ठीक है। तो आपको कैसे, मैंने पूछना बेकार है कि कैसे लगे, 20 साल से आ रहे हैं तो जबरदस्त लगेंगे। यहाँ पे सब पुराने पुराने आके खाते हैं यहाँ पे। तो आप कहाँ से करा के जाते? तो आप कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे? ये रहते हैं पीछे ब्लॉक में। अच्छा, कालका जी के यहाँ? कालका जी में रहता। ठीक है, शुक्रिया जी, एंजॉय कीजिए आप। नमस्ते सर जी। नमस्कार। पहले सर अपना शुभ नाम बताइए। जतिन। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे इनके छोले भटूरे? 5 साल हो गए। हाँ जी 5-6 साल। 5-6 साल हो गए, बढ़िया लगे तभी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सी ब्लॉक। सी ब्लॉक, ठीक है। तो आपको इनके क्या खास लगे छोले भटूरों में? तो प्याज लहसुन नहीं है। हाँ जी हाँ जी। बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई खा सकता है। अपने शौक की बात है। शुभ नाम आपका? योगेश कुमार। योगेश कुमार जी, कितने टाइम से आप खा रहे हैं यहाँ पे? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। कहाँ से आते हैं आप? नहीं, गोनपुरी से आते हैं। अच्छा, आप भी पास में कालका जी के ही गोनपुरी से हैं। तो टेस्ट इनका गजब का लगा, अच्छा बढ़िया लगा, बहुत ज्यादा। तो तभी आ रहे हैं? बिल्कुल सर। हो गया। तो डेली आते हैं या बीच बीच में? जैसा टाइम होता है, जैसे टाइम लगता है। लेकिन 6-7 साल से आप आ रहे हैं, रेगुलर इनके कस्टमर हैं? बिल्कुल। तो ये भी भैया इनके रेगुलर कस्टमर हैं, 6-7 साल से आ रहे हैं और इनको काफी टेस्टी लगते हैं। तो एक और रिव्यू लेते हैं जी। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? सर राघव। राघव, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी कॉलेज परस्यू कर रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं? तो यहाँ पे कब से आ रहे हैं आप? 15 ईयर हो गए, यानी बहुत छोटे से, बचपन से फैमिली पूरी, लगता है फैमिली के साथ ही आते हैं? सारी फैमिली आती है, ये भी आती है। अच्छा, ये तो फिर पूछा हूँ मैं, क्या पूछूँ कि आपको कैसे लगते हैं? जबरदस्ती लगते होंगे टेस्ट इनका। टेस्ट तो मतलब ऐसा है, बस यही आते हैं, और कहीं जाते नहीं। और कहीं जाते नहीं। और मैं ये देख रहा हूँ आप ये बॉक्स भी लेके आए हैं। हाँ जी। पैक करा के लेके जाएंगे? हाँ जी, घर वालों के लिए। ये देखिए जी, अपने बॉक्स भी लेके आए हैं पैक कराने के लिए। शुक्रिया जी, आप इंजॉय कीजिए। आपने कस्टमर्स का रिव्यू तो सुन ही लिया, अब हम भी एक छोले भटूरे की प्लेट लगवाते हैं और करते हैं उसका रिव्यू शिव्यू। तो जी ये आ गया तवे पर हमारा भटूरा, जिसे कि पेपर भटूरा भी कहते हैं। और भैया कह रहे हैं कि आपकी जैसी पसंद हो ना, अगर आपको सॉफ्ट रखवाना है या करारा कराना है, तो भैया उसको भटूरे को बिल्कुल वैसा ही आपके लिए बना देंगे। साथ में भैया ने लगा दी हमारे लिए छोलों की प्लेट, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है, तरी वाले होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ऊपर से भैया ने डाल दिया अपना मैजिक सीक्रेट मसाला,
जिसके लोग ना इतने दीवाने हैं ना कि क्या ही कहूँ मैं। और ये ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा नींबू। ये जी सलाद के ऊपर भी इन्होंने छिड़क दिया है और ये छोले के ऊपर भी मसाला इनका जो है ना मैजिक मसाला छिड़क दिया है। तो ये जी मेरी प्लेट तैयार है, तो करते हैं जी इसका टेस्ट, करते हैं इसका रिव्यू शिव्यू। काफ़ी गर्मा गर्म गाय पाइए। मेरे छोले भटूरे आ गए हैं, टेम्पटिंग सी बड़ी ज़बरदस्त सी प्लेट है ये जी। इनके देखिए छोले बड़े ज़बरदस्त तरी वाले छोले हैं, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में। मुँह में अभी से पानी आ रहा है। तो ये जी मेरे भटूरे आ गए, पेपर भटूरे रख लो। और ये जी साथ में इन्होंने सलाद दिया, सलाद के ऊपर भी ना ये देखिए काफ़ी सारा इन्होंने अपना मसाला छिड़का हुआ है। तो लोग बहुत दीवाने हैं, लोग ना इनका मसाला तो ज़रूर यहाँ पे आए, उनका मसाला ना खाएं ये हो ही नहीं सकता। तो ये जी हम करते हैं इसका रिव्यू शिव्यू, करते हैं इसका टेस्ट, बगैर बनाते हैं अपनी पहली बाइट। तो ये जी आ गए हमारे छोले, ये देखिए जी। तो ये बनाते हैं पहली बाइट, मैंने भर लिया अच्छे से, देखिए जी करते हैं इसका टेस्ट और करते हैं इसका रिव्यू शिव्यू। प्याज वाकई इतना ज़बरदस्त टेस्ट है ना, इतना गर्व का। और जो मसाला है ना, जो कैसे मसाला डाला है वो तो बहुत उससे इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ गया ना। बोले तो है ही नहीं, इतने करारे इतने ज़बरदस्त ना। अरे में जाते हैं ना अंदर से आते हैं एकदम तर हो जाता है, एकदम करारापन आ जाता है। तो गाइस इन छोले भटूरों के लिए ना मेरी बिल्कुल रिकमेंडेशन है कि आपको ना यहाँ पे आना चाहिए, इनके छोले भटूरे ना टेस्ट करने चाहिए। भीड़ तो आपने देख ही ली है इतनी ज़बरदस्त, सुबह सुबह लोग 8 बजे आ रहे हैं, कुछ तो बात होगी इनके छोले भटूरों में तभी आ रहे हैं। तो इतने ज़बरदस्त गजब का टेस्ट है ना, एक बार आपका चखना तो दूर बनता ही है। गाइस यहाँ का जो एड्रेस है ना, इनका फ़ोन नंबर भैया का, यहाँ का एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन पर मैं दे ही दूँगा। और इतने अच्छे छोले भटूरे आपको मैंने दिखाए हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड है। तो इसी बात पे ना फटाफट से ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूँ नेक्स्ट बाइट और चलता हूँ मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो बनाने के लिए। ओके जी, बाय बाय, सत श्री अकाल।